हैं और 34 पद में वो पूरा होता है। जब उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कर्मियों को भी एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर पुष्प पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि वे जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठिया डालकर उसके कपड़े बांट लिए। प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी हमारे मनों को खोलिए, आपकी जो उस सभी पर है प्रभु जी, लेकिन ये फिर भी आपने मानव इंसान के लिए आपने प्रार्थना की। इस वचन पर कभी आपकी आशीष हो, कभी ईश्वर के नाम में आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद होती है आज जो पहला विक्रमा है, पाप क्षमा है, आज गुड फ्राइडे है। अगर आप सोचें कि व्हाट इज गुड अबाउट गुड फ्राइडे, व्हाट इज गुड अबाउट गुड फ्राइडे, रवि शिवी उस सलीब के ऊपर और रोमन साम्राज्य ने और सिपाहियों ने रवि शिवी को सलीब के ऊपर उन्होंने मर्डर वहां कर दिया। आप सोचे व्हाट इज गुड अबाउट गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे इज अ गुड, व्हाट इज गुड, यही सच्चाई है। डियो यीशु मसीह को उस सलीब पर लटकाया गया, यीशु मसीह के अंदर कोई दोष नहीं था। अगर आप सुबह से अगर आप देखें जिस वक्त यीशु मसीह को पकड़ा गया और पिलातुस के सामने सामने खड़ा किया गया और पिलातुस के जजमेंट में है कि यीशु मसीह के अंदर उसने कोई भी दोष नहीं देखा, कोई भी दोष नहीं देखा, लेकिन एक तरफ भीड़ की आवाज थी कि इसे क्रूस पर चढ़ा, इसे क्रूस पर चढ़ा। देखिए दुनिया में अगर आप देखें जो जजमेंट है सिचुएशन के हिसाब से कभी कभी होता आया है। जजों ने सिचुएशन को देखा है, ह्यूमन बिहेवियर को देखा है, ह्यूमन एटीट्यूड को देखा है। पॉलिटिकली अगर आप देखें तो पिलातुस ने देखा कि ये व्यक्ति पर्सन जो खड़ा है, जिसके हाथ बंधे हुए हैं, इसके अंदर कोई दोष नहीं है। लेकिन सिचुएशन, इंसान का व्यवहार और भारी भीड़ ने उस जजमेंट को जो है पलट दिया उसने। ये सच्चाई है। आप मैं नहीं कह रहा हूं कि जो है सारे जो जगह दुनिया में है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो जजमेंट है सिचुएशन के हिसाब से जो है कभी कभी जो है जानता है। और इतिहास में, इतिहास इस बात का गवाह है,
कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर पंखाएं पिलातुस की एक टेस्टिमनी है कि इस व्यक्ति में कोई दोष नहीं है। तो उसने प्रभु यीशु मसीह को खुद नहीं छोड़ दिया, मैं नहीं छोड़ सकता। एक तरफ रोमन साम्राज्य का राजा बादशाह और एक तरफ फरीसी और सदूकी, एक तरफ भीड़ को छोड़ नहीं सकता था, लेकिन उनको खुश करने के लिए ये सजा जो दी रविश्व इस लायक नहीं था कि वो सजा दी जाए, क्योंकि वो सजा जो कुकर्मी थे पकड़े जाते थे उन्हें क्रूस की सजा दी जाती थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को एक स्पेशल तरीके से क्रूस की सजा दी गई। देखिए जो डकैत हैं उनको केवल बांधा गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को स्पेशल तरीके से ये कितना एक ब्रूटल, अगर आप कहेंगे कितना एक अत्याचार, इतना प्रभु यीशु मसीह को है उस कीलों से जड़ा है। एक स्पेशल पनिशमेंट प्रभु यीशु मसीह को जो है उन सिपाहियों ने वहां पर दिया। जो दो टके थे उनके साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वह आप कुकर्म में पकड़े गए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का दोष क्या करके प्रियो सच्चाई है थक जाती है। प्रभु यीशु मसीह का क्या दोष था? सलीब उसे चढ़ा दिया गया और एक क्रूएल तरीके से प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया ही नहीं गया, लेकिन पैरों और हाथों में कील कहा गया, एक स्पेशल पनिशमेंट प्रभु यीशु मसीह के लिए था। इसलिए प्रियो व्हाट इज गुड अबाउट गुड फ्राइडे, और कांटों का ताज बनाया स्पेशल पनिशमेंट कांटों का ताज, कितने चेले जो है भाग गए थे, लेकिन फिर भी कितना क्रूर। अगर आप देखें पूरे इस हिस्ट्री के अंदर में शायद किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा और पहली जो वाणी जो कलमा है उनके लिए है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह के जो कपड़े थे उन्होंने आपस में बांध लिया, बेइज्जती कर रहे हैं और सीने में अच्छा भी है प्रभु यीशु मसीह को है हमारा गया है। तो फैनिश किस बात का प्रतीक है? गुड फ्राइडे किस बात का प्रतीक है? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पिता से बहुत प्रार्थना करता है और कृष्ण करने के लिए पिता इन्हें क्षमा करना क्योंकि जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन, प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन
इस बात का चिन्ह है कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा पूरा प्रयास रहा है कि इनका जीवन बच जाए, क्योंकि ये जानते नहीं है। रिकंसाइल किया और पिता के सामने अपील की और रिकंसिलिएशन के लिए पिता से प्रार्थना की और नहीं चाहता था ये इन्हें बर्बाद ना कर दिया जाए, लेकिन वो चाहते थे इनका जीवन जो है बचा जा सके। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पिता से याचना की, पिता को इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। ये क्रूसिफिकेशन इज द साइन ऑफ रिकंसिलिएशन विद गॉड एंड विद सिनर। ये रिकंसिलिएशन और ये जो क्रूसिफिकेशन है, रिकंसिलिएशन है परमेश्वर और पापी के बीच में। और क्षमा याचना से इस बात का प्रतीक है कि प्रवेश मंदिर चाहते थे इनका जीवन बचाया जा सके। और दूसरी बात, उन्होंने सालवेशन जो है ये क्रूसिफिकेशन जो है सालवेशन को जो है उन्होंने दुनिया में उन्होंने लाया ताकि जितने भी इंसान हैं वो बचाया जा सके। तो क्रॉस है, जो क्रॉस है डिमांड्स फॉरगिवनेस, जो शरीर में उठाता है उसकी डिमांड्स है कि वाह क्षमा, लोगों को क्षमा की जा सके। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए क्षमा याचना की और इसलिए क्रूसिफिकेशन इज अ साइन ऑफ लव ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है, जिसका अंदर प्रेम है, वो चाहते हैं कि सारे इंसान की जो जिंदगी है वो बचाई जा सके। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं हैं ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, चाहते हैं लोगों का जीवन बदल जाए, लोगों को उद्धार मिल सके, लोगों को एक नई जिंदगी मिल सके, नई रोशनी मिल सके। और प्रभु जी का क्रूसिफिकेशन हमें नई जिंदगी देता है, नई कुवत देता है और पाप से उद्धार के लिए नई रास्ता हमारे सामने दिखाई देती है। प्रवेश मसीह का पिता तो इन्हें क्षमा करना क्योंकि नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आज हम प्रार्थना करेंगे। पिता प्रवेश बड़ी दीनता विनम्रता के साथ परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं
कि आपने हमें ये सुंदर मौका दिया कि एक बार फिर हम आपके उन सात वाणियों को सुन सकें, उन पर विचार कर सकें। पिता परमेश्वर, वंदे पिता परमेश्वर कि आप हमारे बीच में मौजूद हैं, हमारा एक विश्वास है और हमारे वचन जो हमारे मुंह से निकलते हैं पिता परमेश्वर, वो मेरी ओर से ना हो परंतु पिता परमेश्वर वो आपकी ओर से हो। छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के उद्धार करता के नाम में इसका कबूल कर लें, मांगती हूँ आमीन। ये फिर एक समय हमारे पास आ चुका है और जहाँ हम परमेश्वर की दूसरी वाणी की ओर ध्यान करते हैं, मैं एक शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगी और वो है एक्सप्लोर। हम उस वचन को हम जानने का प्रयत्न करें कि प्रभु यीशु मसीह और वो डाकू क्या कह रहे थे। हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन आज ये वक्त है हमारे पास देखो कि हम उस वचन को की गहराइयों में डूब जाएं और एक्सप्लोर करने का प्रयत्न करें कि प्रभु हमसे क्या बातें करना चाहता है। सबसे पहली बात जो हम पाते हैं वो ये है कि एक प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि क्या प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, उन्होंने अपना सर्वस्व हमारे लिए त्याग दिया, वो सलीबी मौत को सह रहे थे, क्या ये काफी नहीं था? क्या वो रोमी साम्राज्य के लोग कितने निर्दयी थे? ये हमारे मन में अक्सर ये बातें आती हैं। हम तो ऐसे नहीं है, हम तो प्रभु परमेश्वर को कोड़े नहीं मारते, हम तो उसे ना सताते। ये प्रश्न हमारे मन में कई बार आते हैं, परंतु वचन कहता है यशाया नबी की पुस्तक उसके 53 अध्याय में लिखा है, 12वीं आयत में अगर हम पढ़े तो हम पाते हैं, हम निकाले यशाया नबी की पुस्तक और उसके 53 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में, जहां पर यूं लिखा है, अगर हम आखिर की तीन बातों को पढ़े तो लिखा है वो अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। जैसा हमने पहले कलमे में सुना कि प्रभु परमेश्वर क्षमा याचना करते हैं, उन तमाम लोगों को उनके तमाम अपराधों को क्षमा करते हैं, वो लोग जो उन्हें क्रूस पर चढ़ा रहे थे, उन्हें यातनाएं दे रहे थे। और यहाँ पाते हैं कि ये सब कुछ जो है एक प्लानिंग थी परमेश्वर की। यशाया नबी जो 700 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह के चढ़ाए जाने से पहले ये भविष्यवाणी कर चुके थे कि ऐसा ऐसा होगा और वो सब बातें आज के दिन परमेश्वर उस सलीब पर टंगे हुए देखे जाते हैं। और यही नहीं, क्या ये काफी नहीं था कि वो केवल टांगे जाए और मारे जाए, कूटे जाए, जैसा वचन हमें बताता है, परंतु वचन ये भी बताता है यशाया में कि वो अपराधियों के बीच संग गिना गया। ये भी होना यकीनन था, तभी वो दो अपराधी प्रभु यीशु मसीह के दाएं और बाएं लटकाए गए। ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति थी। पहली चीज तो वो हमारे अपराधों के लिए, संसार के अपराधों के लिए अपने आप को उसने बलिदान कर दिया और ये काफी नहीं था, यहां तक कि वो स्वयं पापी कहलाया क्योंकि वो दो पापियों के बीच में टांगा गया। क्यों? ताकि ये बात सिद्ध हो सके कि वो पापियों का के असमान गिना जाए। अब आते हैं हम उस डाकू के ओर जो प्रभु यीशु मसीह के दाएं और बाएं बने हुए थे। अगर हम एक एक करके दोनों की बातों पर विचार विमर्श करें तो हम पाते हैं कि जो दूसरा डाकू है, जब पहला डाकू प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाता है तो वो क्या करता है, हम पढ़ने के लिए निकाल लें और इस वचन में हम पाएंगे बारी बारी से एक एक बात हमें क्लियर होती है कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं। 40वें अध्याय में यूं कहता है, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? दूसरा डाकू इस बात को एक्सेप्ट कर चुका था, वो जान चुका था कि ये परमेश्वर का पुत्र है। उसने कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? नीति वचन 1:17 में लिखा है कि परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। जिसका आरंभ हो चुका था उसके अंदर परमेश्वर का भय आ चुका था और वो जान चुका था कि ये संसार का रचयिता है, ये चाहे कुछ भी कर सकता है, ये चाहे तो कुछ भी।
और इसलिए वो खुदा को डांटता है और कहता है कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं करता। दो चीजें क्या बातें, उसका विश्वास परमेश्वर पर, उसका विश्वास पर होना, और आगे वो कहता है कि तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। दूसरी चीज जो हमें बहुत क्लियरली यहाँ बताई जाती है, और वो डाकू क्या कहता है कि हम तो अपने न्याय अनुसार, जो हमारे लिए हम कहते हैं कि हमारे लिए ये चाहिए, हमने ये गुनाह किया है, इसकी पनिशमेंट हमें मिलनी है, वो मान चुका था इस बात को कि ये हमारे लिए ही पनिशमेंट है क्योंकि मैंने गुनाह किया है, हमने गुनाह किया है। और ये डाकू कहता है कि हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। उसने कन्फेस किया, उसने एक बात को रिपेंट किया कि प्रभु परमेश्वर उस संसार का रचयिता हमारे बीच में खड़ा है और हम अपने न्याय अनुसार ही दंड पा रहे हैं। आगे हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। वो एक बात को मान चुका था, उसने ये नहीं कहा कि हे प्रभु मुझे माफ कर दे, हे प्रभु मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। उसने कहा कि हम तो अपने गलतियों की सजा पा रहे हैं, ये न्याय उचित है, ये होना है। और आगे लिखा है, आगे वो कहता है 41 वर्ष में ही, पर इसने, अब इसने ध्यान से सुनिएगा, इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। वो कहता है प्रभु परमेश्वर ने कोई गलत काम नहीं किया। यही बात हम बाइबल में पढ़ते हैं कि वो निष्पाप निष्कलंक मेमना, जो हम बात करते हैं और बाइबल में पाई जाती है कि वो निष्पाप निष्कलंक मेमना होकर हमारे और इस संसार के पापों के लिए प्रूफ पर टांगा गया। आज वही बात वो समझ चुका था कि ये जो निष्पाप है, ये क्यों चढ़ाया जा रहा है हमारे बीच में। ऊपर उसके पट्टी में लिखा हुआ था ये यहूदियों का राजा है। ये तीन भाषाओं में लिखा था, लैटिन में लिखा था, ग्रीक में और हिब्रू में लिखा था। हो सकता है कि वो इन किसी भाषाओं को समझता होगा और उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना होगा और वो पढ़ सकता था उसे कि वहां पर लिखा है कि ये यहूदियों का राजा है। उसने स्वीकार कर लिया था कि ये प्रभु परमेश्वर का भय मानना आवश्यक है। दूसरी चीज कि वो अनुसार अपने गलतियों के न्याय पा रहा था। उसने एक बात कंसर्न कर लिया था, उसने अपना पश्चाताप कर लिया था, और तब वो डाकू को डांटता है और वो कहता है कि हमने तो, इसने तो कोई अनुचित काम नहीं किया। वो ये बात मान चुका था, वो जान चुका था कि ये सचमुच निष्पाप मेमना है जो हमारे, क्योंकि कोई भी पवित्र वस्तु ही परमेश्वर के योग्य बलिदान हो सकती है। हमारे कितने भी अच्छे काम क्यों ना हो, वो वचन कहता है कि वो हमारे लिए, परमेश्वर के लिए हमारे अच्छे के अच्छे काम, चाहे हम चर्च आते हो, मनाली करते हो, कुछ भी करते, परंतु परमेश्वर के लिए वो मैले चित्रों के समान है, क्योंकि परमेश्वर हमारे दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है। और आगे हम जब देखते हैं, वो बड़ी दीनता के साथ कहता है, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए। एक और उदाहरण हमें मिलता है कि उसने उसे प्रभु परमेश्वर अपना स्वीकार कर लिया था, उसने एक्नॉलेज कर लिया था कि ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। और वो कहता है कि जब तू अपने राज्य में आए, he was talking about the kingdom of the law, और उस किंगडम राज्य के बारे में बात करता है और कहता है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। बड़ी विनम्रता हमें इस वर्ड में दिखाई देती है, बड़ी सिंप्लिसिटी हमें दिखाई देती है। वो ये नहीं कहता कि मैंने तो अपना गुनाह मान लिया, मुझे तो अपने पापों की क्षमा मिल चुकी है, अब तो मेरा स्वर्ग में जाना यकीनन है। ना ही वो उससे कहता है कि प्रभु तो अब मुझे अपने साथ स्वर्ग में ले जा, परंतु वो बड़ा दीन होकर कहता है कि मुझे, इंग्लिश में लिखा है रिमेम्बर मी, याद करना, अगर हो सके तो मुझे याद करना। मैं किस लायक तो नहीं हूं, परंतु हो सके तो मुझे याद करना। ये हम बातें पाते हैं, तो हम पाते हैं कि उसने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर और उस भय के साथ उसने उस प्रभु परमेश्वर पर अपना पूर्ण विश्वास किया, उसको अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया, अपने पापों से प्रायश्चित किया और अपने मुंह से उसका अंगीकार किया। उसने कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी, ये वो बातें हैं जो हम उस डाकू के जीवन में पाते हैं। वो डाकू चाहे कितनी ही बुरी अवस्था में रहा हो, कितने ही बुरे काम किए हो उसने अपने जीवन,
भी काटता है, क्योंकि उसको अनुचित कार्य करने से होके रोकता है। अगर वो ना होता तो शायद वो पता नहीं क्या क्या बोलता। अब आगे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के परमेश्वर उसके क्या कहते हैं। What was the response of our Christ? आगे हम पढ़ते हैं जो आखिरी आयत में लिखा है यहाँ पर 43 में, उसने उसके कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या रिस्पॉन्स किया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज की तू, आज अभी इसी वक्त, कल नहीं, परसों नहीं, ताले वाला काम नहीं, परंतु आज इसी वक्त वो क्या कहता है, तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में, यू विल बी देयर इन द किंगडम ऑफ द लॉर्ड। आज हम सब यहाँ पर जितने बैठे हैं, यकीनन हम प्रभु परमेश्वर को जानते हैं। हम जानते हैं कि हमारा उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह द्वारा है और केवल स्वर्ग लोक ही हमारा मार्ग है। आगे हम पढ़ते हैं, वो मार्ग से मिल चुका था, प्रभु यीशु मसीह ने वही के वही उसे उसको एक्सेप्ट किया, उसके पापों से उसको मुक्ति दे दी, उस पर अपनी दया दिखाई। वो डाकू जो जीवन भर गलत काम करता रहा, लेकिन आज प्रभु की वाणी कहती है कि उसी वक्त वो दया का पात्र बन गया और प्रभु ने उसे क्षमा दी। और यहाँ पर उस स्थिति में अगर हम प्रभु यीशु मसीह को देखें तो वो उस स्थिति में टंगे हुए थे, कितनी यातनाएं, कितनी पीड़ाएं रात भर से उसे मिल रही थी, उसके बावजूद भी हम पाते हैं कि वो इतना सामर्थी था, वो उद्धार देने में यकीनन सामर्थी था। ये इस बात को बताता है कि उसने उसी वक्त, उसने ये नहीं कहा कि ठीक है जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा अपने पिता के पास तब मैं तुझे बुलाऊंगा, उसने कहा आज अभी इसी वक्त तेरा उद्धार है। और हम पाते हैं कि कितना बड़ा इंश्योरेंस प्रभु परमेश्वर का उस डाकू के लिए हुआ। क्या वो डाकू डाकू रहा? नहीं, वो उद्धार पा चुका था, चाहे उसने कितने ही गलत काम किए। प्रभु की तीन बातें हम पाते हैं, उसने उसको एक्सेप्ट किया, उसे स्वीकारा, उस पर अपना प्रेम नछावर किया। क्यों? क्योंकि उसने अपना गुनाह कबूल किया, अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता माना और उस पर अपनी दया उड़ी। अब हम देखें, अगर वचन को पढ़ने के लिए निकालें तो हम पाते हैं, उसके पहले मैं एक और छोटी बात कहना चाहूंगी कि सचमुच हमारा परमेश्वर, अगर हम इस वचन को पढ़ते हैं एक बार फिर से, तो हम पाते हैं सचमुच हमारा परमेश्वर कितना एंशियस है, कितना एंशियस है माफ करने के। उसने पल भर भी नहीं सोचा और तुरंत उसने कहा कि आज मेरे साथ स्वर्ग में। प्रभु यीशु मसीह के उदाहरणों में से एक उदाहरण है उस उड़ाव पुत्र का, जिसका पिता उसका कई वर्षों तक इंतजार करता है, जो पुत्र विनाश की ओर जा चुका था, जिसका बदलना मुश्किल था शायद हमारे और आपकी नजर में, लेकिन जब वो फिर के वापस आता है तो क्या पाता है, अपने पिता को दूर से खड़ा हुआ देखता है और वो डर जाता है, पूछता कि ये तो मुझे बहुत सारी बातें सुनाएगा, कहेगा अरे कहाँ था, अब मिल गया तुझे चैन, सब कुछ लुटा के आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। और हम सब जानते हैं कि वो कितनी खातिरदारी करता है उस बेटे की जो सब कुछ बिगाड़ कर गया था, केवल और केवल इसलिए कि उसने पश्चाताप किया, उसने एक बात को ग्रहण किया कि मैं सचमुच इस लायक हूँ कि प्रभु अपने पिता के पास जाकर माफी तक नहीं मांगने की बात करता। और यहाँ पर भी हम यही पाते हैं कि हमारा प्रभु परमेश्वर कितना एंशियस रहता है, कितना आतुर रहता है हमें। वो तो कहता है कि मैं द्वार पर खटखटा रहा हूँ, सुनो तो दरवाजा तो खोलो, मैं तुम्हारे द्वार पर खटखटाता हूँ, वो कब समय आएगा। यमुना, अगर हम निकालें यमुना रचित समाचार का पहला अध्याय और उसकी बारहवीं आयत में जहाँ यूं लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। और आगे लिखते हैं, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, विश्वास और अधिकार। उस डाकू ने प्रभु यीशु मसीह पर पूर्णता विश्वास किया और यहाँ पर वचन कहता है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। ये सचमुच पूरा हो चुका था। रोमियों 10:10 में पाया जाता है, बड़ा खूबसूरत वचन है रोमियों 10:10 में, जो पूरी बात का एक
बात है यहाँ पर धार्मिकता अर्थात righteousness, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास होना या किया जाता है। वचन कहता है धार्मिकता के लिए अगर हम righteous होना चाहते हैं, हम धार्मिक होना चाहते हैं, तो उसके लिए मन से विश्वास किया जाता है। वही डाक ने किया। और उद्धार के लिए अगर हम salvation चाहते हैं तो मुंह से अंगीकार किया जाता है। प्रभु परमेश्वर ने हमें ये मुंह दिया है और इसके लिए कि हम अपने पापों के उद्धार पाने के लिए कन्फेस करें। यहाँ पर अंगीकार करने का अर्थ है कन्फेस, रिपेंट करें, अपने पापों को मान लें। और अगर मन से विश्वास है तो ही हम धार्मिकता के चलन को ओढ़ सकते हैं। और अगर उद्धार पाना है तो मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। और ये दोनों बातें उस दूसरे डाकू ने पूरी करी। अब आगे हम उस पहले डाकू की ओर, उसने क्या किया, क्या वो नहीं जानता था कि प्रभु यीशु मसीह इतने दिनों से प्रचार कर रहे हैं, उस सलीब पर लटकाए गए, वो सब बातों को सुन रहा था, परमेश्वर जगत के उस लोगों को माफ करते हैं, क्या वो सब बातें नहीं सुन रहा था? यकीनन वो सुन रहा था। और वो कहता है 40वीं आयत में, इस पर उस दूसरे ने 39 वर्ष में कहता है कि जो कर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, निंदा मौकरी, उसने मौकरी करा, क्या तू मसीह नहीं? वो ये नहीं क्या पूछ रहा था कि तू मसीह है, वो मजाक उड़ा रहा था उसका कि तू तो मसीह है और तू अपने आप को भी बचा ले और हमें भी बचा ले। आज कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने जीवनों में यही कार्य कर रहे हैं? हम ये समझते हैं कि हम तो मसीह ही जीवन में पैदा हुए, हम मसीह परिवार में पैदा हुए, हम बड़ी अच्छी बातें करते हैं, हम हमारे जीवन में कोई ऐसी बात नहीं, हम बराबर चर्च जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, कई बार पढ़ चुके हैं पूरी पूरी बाइबल, हम दावे करते हैं, हमने तो इस पुस्तक को कई बार पढ़ा है, हम बड़े बड़े दावे करते हैं, हमने इतने अच्छे अच्छे काम किए, परंतु वचन कहता है कि हमें अपने पापों का अंगीकार करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ये सोच बैठे हैं कि टेक इट फॉर ग्रांटेड, हमारा मसीह आएगा और हम तो जिलाए ही जाएंगे क्योंकि हम मसीह परिवार में पैदा हुए हैं, यह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार बन जाता है कि हमें तो मुक्ति मिल गई। ये डाकू भी यही सोच रहा था, उसे यकीन था कि वो प्रभु परमेश्वर अपने आप को बचाएगा। बहुत से लोग वहां पर जो इकट्ठा थे वो यही बात सोच रहे थे कि आज अभी इसके बाद कुछ मिरेकल होगा, क्योंकि वो परमेश्वर के उस प्लान को नहीं याद कर रहे थे कि प्रभु का प्लान क्या है हमारे सारे मानव जाति के लिए, और वो है उस उद्धार के मार्ग को बताना। वचन कहता है याकूब उसके दूसरे अध्याय और 19 आयत में, 2:19 में पाते हैं, तुझे विश्वास है, बड़ी अच्छी बात है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। हम चाहे किसी भी परमेश्वर को मानते हैं, ये बात हम उस तरह से देखें कि तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। वचन कहता है तू अच्छा करता है कि कहता है कि तू परमेश्वर एक ही है मेरा परमेश्वर, परंतु आगे लिखा है दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखता है और थरथराता है। दुष्ट आत्मा भी थरथराता है, विश्वास रखता है। यकीनन शैतान उस वक्त उसके अंदर कार्य कर रहा था और उसे कह रहा था कि तू ये सलीब की मौत ना ले, क्योंकि अगर वो सलीब पे चढ़ गया, वो मर गया और दफन हुआ और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, तो उसका कार्य समाप्त हो जाता है और वो शैतान नहीं चाहता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो कर दिखाया। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि हम चाहे जिस प्रकार के गुनाहों में डूबे हो, हम ये नहीं कह सकते कि हम डाकू के समान ही है, हम कहेंगे हम तो वो डाकू नहीं है, हम तो चोर नहीं है, हमने तो ऐसा कोई बहुत बड़ा गलत काम नहीं किया, परंतु वचन कहता है कि हम सब पाप में जन्मे हैं और पाप की मजदूरी मृत्यु है, हमारे गुनाहों का हिसाब तो होना है। और वचन कहता है कि जिस प्रकार हम अगर चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में उद्धार पाए, क्योंकि उद्धार का मार्ग केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह द्वारा है। कितने लोग संसार में, कितने महात्मा संत, कितने लोग अनगिनत आज तक के करें, कितने लोग इस संसार में आए जो ये कहते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, वो मार्ग बताते हैं, वो रास्ता में बताते हैं, परंतु कोई उनमें से ऐसा नहीं हुआ जिसने कहा कि उद्धार मेरे द्वारा है। कोई संसार में ऐसा नहीं है
जो कह सके कि मैं मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ और मेरे ही द्वारा उद्धार है। तो हम चाहे जितने भी प्रकार के गुनाहों में हो, हम इस बात से डरे नहीं, हम इस बात से शर्मसार ना हो, परंतु अपने आप को गुनाहों के बोझ के दबा हुआ पाकर हम अपने आप को कुचला ना समझे, परंतु परमेश्वर के पास जाए, उसके चरणों में गिर कर अपने गुनाहों की माफी मांगे और यकीनन परमेश्वर की दया हमारे जीवनों में हर पल कार्य करती है। उसकी दया, उसका प्रेम, उसकी मर्जी हमारे जीवनों में काम करेगी। और यूहन्ना 8:36 में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र ना करे तो सचमुच तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते। अगर वचन कहता है यदि तुम्हें पुत्र स्वतंत्र करेगा तभी तुम स्वतंत्र होगे, मतलब यही है कि हमारा स्वतंत्र होना, हमारा उद्धार होना प्रभु परमेश्वर के द्वारा ही संभव है। आइए प्रार्थना करें। तीसरी वाणी की ओर चलेंगे जो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 25-27 था। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लियोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। अगर हम लूका 8:19-21 पढ़ेंगे तो हमें वहां पे एक और ऐसी एक बात का पता चलेगा जहां पे यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे और उनकी माता और उनके भाई बाहर आके खड़े हो गए और अंदर किसी ने उनसे आकर कहा, तेरे माता और तेरे भाई खड़े बाहर इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरी माता और मेरे भाई यही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। यानी उन्होंने आत्मिक रिश्तों को खून के रिश्तों की बराबरी दे दी। अगर सच कहा जाए तो आत्मिक रिश्ते को खून से रिश्ते से जरा ऊपर कर दिया। ये कहना नहीं चाहिए क्योंकि प्रभु की नजर में ऊपर और नीचे कुछ भी नहीं, एक समान है। और ठीक यमुना के हाथों में अपनी मां सौंप के उन्होंने आत्मिक रिश्ते की उस इम्पोर्टेंस को क्रूस पे से बता दिया और हमारे आपके लिए स्पिरिचुअल रिश्तों के द्वार खोल दिए। और इस तरह मसीह अपनी कलीसिया की प्रेम को भी वो महत्व दे सकते हैं जो हम अपने परिवारों को देते हैं। ये तो था कलीसिया के लिए कलीसियाई प्रेम का मार्ग खोल देना। और दूसरा मार्ग था कि उन्होंने इस पीड़ा के समय में भी इस भयंकर कीलों के, पादरी साहब ने बताया दोनों चोर हाथों में बांधे गए थे, उनके कील टूटी थी, कांटों का ताज था, शर्म और निंदा की धूप था। और उसके बाद भी वो ये जान रहे थे कि मैं परमेश्वर के प्लान के तहत हूँ। आई एम अंडरगोइंग अ प्रोसेस ऑफ डिवाइन पर्पस एंड प्लान। उन्होंने इतना, फिर भी वो शरीर में थे, तड़पन थी, दुख था, दर्द था, शर्म थी, उसके बाद भी अपनी क्रूस पे खड़ी माँ को, अपने परिवार को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहके बच सकते थे। भाई हम पढ़ते हैं बाइबल में उनके पास और भाई थे, कहके बच सकते थे कि परमेश्वर है, देख लेगा, जिसने मुझे यहां तक दिया है इस माँ को भी देख लेगा। ऐसा कुछ नहीं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को
इक्वल इम्पोर्टेंस देके उन्होंने ये बता दिया कि ये सात वाणियां जो उन्होंने क्रूस पे से कही हैं, उसमें तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है पहली क्षमा, दूसरी जैसे बहन ने बताया उद्धार। जब हम अपने पापों की क्षमा मांग लेते हैं हमारा उद्धार हो जाता है अंगीकार के बाद। तो मेरे अजीजों, जो तीसरी चीज होती है वो है परिवार, जिसमें हमें अपनी शुद्धता और पवित्रता में बढ़ते जाना है, तभी हम उस मसीही राज्य के लिए, जो शायद अब कोरोना काल में छोटा छोटा मसीही बच्चा जानता है कि मेगा रोहन जल्दी होना है, अब तो रैप्चर की तैयारी करें। हम विश्वासी यकूब जानते हैं कोरोना के बाद कोई सुख नहीं आना है, कोरोना के बाद एक एक लेवल दुख के बढ़ते जाने हैं, परेशानियों के दौर शिकंजे कसते जाने हैं, और हम और आप इस बात की तैयारी अपनी प्रार्थनाओं में, अपने वचन के मनन में करने लगे हैं। जो तीसरी बात क्षमा उद्धार के बाद आती है मेरे अजीजों, परिवार। और परिवार का उदाहरण मैंने लिया है पहली थिस्सलुनीकियो उसके 5 बाब उसकी 17 आयत से, बल्कि जी हाँ 17 आयत से उसकी 11 आयत से, सॉरी उसकी 19 आयत। एक परिवार एक मसीही जीवन का सबसे अभिन्न अंग है। ये मत भूले कि परिवार पूरी दुनिया में जो मसीह है या गैर मसीह है, वो सब के हिस्से की इंस्टीट्यूशन है। चाहे हम मसीह हो या गैर मसीह, परिवार नियम है। और विश्वासी के लिए ये नियम इसलिए कहा जाता है कि उद्धार प्राप्ति के बाद हमें शुद्धता और पवित्रता में बढ़ते जाना है। और वो शुद्धता और पवित्रता हमारी शुरुआत होती है हमारे परिवारों से, हमारे मूल आधार, जहां हम टूटे हारे थके और इरिटेट पहुंचते हैं। मुझे माफ करिएगा, कोरोना काल का वो नौकरियों का जाना, वो कम तनख्वाहें मिलना, वो बच्चों की पढ़ाई छूट जाना, ये एक डरावना सच है। हम में से यहाँ बहुत बैठे इस दौरों से गुजर रहे हैं, गुजरे होंगे। और ये वो परिवार है जो हमारे साथ कमती और घटती और बीमारी की दशा में रहा। बाइबल बताती है कि अगर हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है तो केवल क्षमा उद्धार के बाद जो हमें काम करना है, हमें नित्य पवित्रता और शुद्धता में बढ़ना है। और ग्यारहवें कहता है, आयत में कहता है, मैं मोटे मोटे पॉइंट्स आपको बताऊंगी, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। जी हाँ, बाहर हम बहुत एनकरेजिंग वर्ड्स बोलते हैं। हमारा पड़ोसी का बच्चा जब अच्छे नंबर लाता है तो बहुत वहां तारीफ बोलते हैं। हमारे बच्चे के लाने पे तो हम बोलते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उसका मन थोड़ा ज्यादा भूल जाएगा। ठीक है, हम माँ बाप है, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। पर एक विश्वासी घर, मेरे अजीजों, एक विश्वासी घर में बहुत जरूरी है कि एनकरेजिंग वर्ड्स बोले जाएं, उन्नति का कारण बने। क्योंकि एक परिवार तमाम तरह के लोगों से बना हुआ है। एक परिवार में एक कायर भी रहता है, एक दुस्साहसी भी रहता है, एक परिवार में एक कर्मठ भी रहता है, एक परिवार में एक वो डिस्करेजिंग एलिमेंट भी होता है। अलग अलग रूप हो जा सकते हैं, कोई बच्चा हो सकता है, कोई बाप हो सकता है, कोई माँ हो सकती है, कोई बहन हो सकती है, कोई दादी हो सकती है, कोई दादा हो सकता है, कोई चाचा हो सकती है, कोई चाची हो सकती है। दुनिया के परिवार में इन ये सब का मिश्रण है। और विश्वासियों को ये जान के परिवार दे दिया गया है, क्योंकि वो कहता है एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। जब हम जीवन की दौड़ में हमारे पांव थक
कपने लगते हैं, गला सूखने लगता है और पैर जलने लगते हैं, तो वह परिवार ही है जो तसल्ली देकर वापस उस दौड़ के लिए तैयार करता है। अगर हमें एक शब्द बोलना ही है अपने परिवार को, इस टूटे बच्चे से, उस टूटी पत्नी से, उस बेरोजगार पति से, तो हम अच्छा शब्द बोलते हैं बुरे की जगह, वरना कुछ ना बोले और प्रभु से सहने की शक्ति मांगे। दूसरी बात है अपने बड़े, आपके पास 11 से 19 की आयतें हैं, आप पढ़ते जाइएगा और आपको मिलता जाएगा। अपने बड़ों का सम्मान करो और आदर के योग्य समझो। जी हाँ, जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप इसे एक अलग ढंग से पाएंगे, जिस तरह मैं बताने जा रही हूँ उससे थोड़ा फर्क। वो कहता है भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। ये जरूर है कि ये पासवानों और खिदमतगारों के लिए कहा गया है, पर मेरे अजीजों, ये उन विश्वासी परिवारों के सर्वदा के लिए, उस हेड ऑफ द फैमिली के लिए भी कहा गया है जिसने पहली बार प्रभु यीशु मसीह से हमारी मुलाकात, पहला अगवा हमारे परिवार का वो पिता है, वो माता है जिसने हमारी मुलाकात हमारे पिता परमेश्वर से करा दी। हम जो मिडिल एज लोग बैठे हैं वो खूब जानते हैं, स्पेशली जिनके माता और पिता नहीं रहे, पर ना अभी वो बुजुर्गी के आलम में है और ना अभी वो जवान है, कि अगर हमारी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हमारे माँ बाप ने नहीं कराई होती तो हम भी कहीं सुसाइड करने खड़े होते, गंगा से कूदने खड़े होते, या कुछ ऐसा ही कर रहे होते, किसी काउंसलर के पास बैठे होते, किसी साइकोलॉजिस्ट की थेरेपी ले रहे होते। मेरे अजीजों, उस क्रूस की कथा में उसने परिवार को कह दिया कि उसका सम्मान करो जो तुमको हमसे मिलाता है। माफी चाहूंगी पासवान साहब से, क्योंकि ये अगुवों के लिए लिखा है, पर मेरा अगुवा वो मेरी माँ, वो मेरे पिता भी है जिसने मेरे प्रभु से मेरी मुलाकात करा दी, इसलिए उसका सम्मान करना। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे, उनका सम्मान करना हमारी जरूरत है अगर हमें उसके स्वर्ग राज में दाखिल होना है। अगर हमें करोना जैसे डरोना और मरोना के अंतर्गत फंसना नहीं है, क्योंकि महाकलेश के समय में ये तो अभी शुरुआत है, जैसा कि मैं लेट्स की मीटिंग में भी कहती आई हूं, तो ये हमारी जरूरत है। तीसरी बात वो कहता है एक परिवार के लिए, दूसरा कोरस, आपस में मेल मिलाप से रखो। बड़ी सुंदर बात ये है कि हम दुनिया में बहुत अच्छा मेल मिलाप कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार हमारी प्रशंसा करते नहीं तक रहे, बहुत प्यारे हैं, बड़े मददगार, बड़ी मददगार है ये लेडी। हमारे अपने घरों में बड़ी परेशानियां चल रही हैं। मेरे अजीजों, हमें ये मदद, ये सम्मान, ये एनकरेजमेंट अपने उन चार दीवारी से शुरू करना होगा जहां हमें कोई नहीं देख रहा, जहां हम बिल्कुल अपना जीवन पर परमेश्वर देख रहा है। हम बंधना नहीं चाहते किसी भी ऐसी बातों में, और क्योंकि हमने वो बंधन खोल दिए हैं इसलिए हम परेशानियों में आ गए हैं। हम पैसा तो भरते हैं, हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा, हम ड्यूटी तो जा रहे हैं, 18 घंटे काम तो कर रहे हैं, पर हमारे जीवनों में आज भी पैसे की कमी है। हम मेहनत तो कर रहे हैं, रिजल्ट्स वो आ नहीं रहे। मजे की बात यह है कि हम उस परमेश्वर की संतानें हैं जिसका नाम भी सक्सेस है, और सक्सेस इस हद तक कि क्रूस पे चढ़ के बलिदान हो गया। मेरे और आपके जीवन में वो सक्सेस स्टोरीज नहीं है जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, जिस बाइबल का परमेश्वर सक्सेस का दाता है, उस सक्सेस को हम जानते नहीं। हम सक्सेस फील नहीं कर रहे, हम सक्सेस जनरेट नहीं कर रहे, हम सक्सेस को अपने हाथ और अपनी बाइबल का हिस्सा नहीं बना रहे, क्योंकि सक्सेस तो हमने बाहर की सोच ली है। हमारी सक्सेस हमारी उस चार दीवारी कमरों से स्टार्ट होती है जो हम अपने घरों में हैं, जो कमरों में हैं, जो पति और पत्नी उस कमरे में हैं। जब हम दुनिया से हार थक के जाते हैं तो बंद कमरे के गाली का शिकार जो पत्नी है, सक्सेस स्टोरी वहां खत्म हो जाती है। जब हम औरों से बेहतर कपड़े नहीं पहन पा रहे तो वो क्रिटिसिज्म जो बंद कमरे में हम अपने पति को दे रहे हैं, हमारी सक्सेस स्टोरी वहां खत्म हो जाती है। हम अगर हमारे बच्चे
जाके पढ़ने की जगह अगर दुनिया की बातों में लग रहे हैं, माँ बाप के पैसा देने के बाद हमारी सक्सेस स्टोरी वहां खत्म हो जाती है। हम सक्सेसफुल खुदा के बच्चे होके हम सक्सेस नहीं पा रहे हैं। कुछ तो करना होगा। और इसलिए यह तीसरा वाणी आई कि देख ये तेरे पुत्र और ये देख तेरी माता। मेरे मिला मैं आपको एक, मैं बहुत प्रचार आज करना नहीं, आज मैं सिर्फ बाइबल की आयतें लिखकर लाई थी। इब्रानियों 12:14 कहता है, सबसे मेल मिलाप रखो, सब में पत्नी बच्चे मामा पापा चाची ताई सब आ रहे हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर जिससे भी रखना है, हमें उनसे रखना हमारी मजबूरी है। उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। अगर हम स्वर्ग राज के बारे सोने की प्रार्थनाएं कर रहे हैं तो पवित्रता और शुद्धता उस उद्धार के बाद हमारे घर के कमरों में से आनी है। अब दूसरा कुरिन्थियों 13:1 कहता है, अतः हे भाइयों आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ। जब हम पापा की उस डांट को सह लेंगे, जवाब नहीं देंगे, मन में बुरा सोचने से अपने विचारों पर नियंत्रण करके सह लेंगे, तो विश्वास करिए हम सिद्धता की एक और सीढ़ी चढ़ जाएंगे। और ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल मिलाप से रहो, प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। ये बाइबल कह रही है। आपके अपने घर के मेल मिलाप से आप परमेश्वर हमारे साथ होगा। और उसके लिए एक और रेमेडी बताई देती हूँ। ये मेल मिलाप कैसे, जब हम कहते हैं ना अरे भाई हम तो बहुत कोशिश करते हैं, इनसे बताइए इनको बताइए, तो एक आयत लिख लीजिए फिलिप्पियों 2:14, सब काम बिना कुड़कुड़ाए किया करो, बिना विवाद किया करो। हमें अपने घर के विवादों को बंद करना होगा, वो जो 4, 6 और 2 रह रहे हैं, तो मैं और मेरी माता रहते हैं, विवाद वहां पे भी हो जाता है, बहू होती तो अलग बात होता है। इंसानी फितरत है विवादों में पड़ना, और इसमें भी हमें नियंत्रण, हमें प्रभु से कहना होगा प्रार्थना में, प्रभु हमें विवादों से बचाइए, वरना हमारी हस्ती नहीं कि हम विवादों से बच सके और बचा सके। और क्योंकि हम विवाद अपने घर में नहीं रोकते, हम खुद विवादों का शिकार बाहर जाके हो जाते हैं। हम जाते तो अच्छी मनसा से हैं, पर बाहर हाड़ खाने वाले भेड़िए हमको विवादों के घेरे में घेर के त्रस्त करके पस्त करके शैतानी शिकंजे में वापस घर भेजते हैं, ताकि हम अपने घरों में वापस जाके वही दे सके जो हम बाहर से पाकर आए थे। और एक विश्वासी परिवार भ्रष्ट हो जाता है। हम सिर्फ वीकली और मंथली पवित्र लोग रह जाते हैं, संडे का एक दिन पवित्रता का, और अगर 40 दिन हम वीकली और मंथली होके रह जाते हैं। दूसरी बात कहता है, कायरों को ढाढ़स दो और निर्बलों को समझाओ। मेरे अजीजों, मैंने भी आपको बताया, क्विट एसेंशियली, यानी ये जरूर है कि हमारे परिवार में एक डरपोक है, एक सासी है, एक निर्बल है, एक टूटा हुआ है। अगर मिक्स परिवार नहीं है तो फिर हमने पा लिया, फिर हमने इस दुनिया में रहने की जरूरत नहीं, हम ऑलरेडी आसमान में घूम रहे हैं। हम में से हर एक जो बैठा है, हमारे घर में एक निर्बल प्राणी है जो छोटी छोटी बातों से डर जाता है। हमारे घर में एक वो व्यक्ति है, छोटा बच्चा है, जिसको पढ़ाई समझ नहीं आती, जिसपे हजारों रुपया लग रहा है उसके बाद भी। मेरे और आपके घर में एक वो माता है जिसको हम विश करते हैं, अगर मम्मी कम थोड़ा सा बद्दुआएं दे देती तो बात बन जाती, या बीच में थोड़ा सा कम और चिड़चिड़ाती। तो हम सबके घरों में एक एक ऐसा व्यक्ति है, हम परिवार हैं, और इसी पे विजय करने के लिए हम सब रखे गए हैं। और इसलिए मेरे अजीजों, हमें तब तक ये कमजोरी नहीं पता होगी अपने घरों की, जब तक हम आध्यात्मिक तरीक मनों की आंखों से नहीं देखेंगे। माता मरियम निर्बल हो गई थी, उसका बड़ा बेटा जो पवित्र
को उससे छिन रहा था, मेरी माता वो आपसे बेहतर कौन जानेगा। आज वो जा रहा था, वो निर्बल होगी, वो डरी हुई होगी, इसके बाद मेरा क्या होगा, वो असहाय होगी। और उस समय उस क्रूस पे चढ़े हुए यीशु मसीह ने कह दिया, यूहन्ना जिससे मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं, उससे उससे कह दिया, देख ये तेरी माता और देख ये तेरा पुत्र। मेरे अजीजों, हमें भी अपने निर्बल, अपने मंदबुद्धि, अपने डरे हुए, अपने कायर बहन भाई पति बाप मां दादा दादी चाचा चाची नाना नानी को उस परमेश्वर से मिलवाना होगा, जैसे यूहन्ना और माता मरियम को मिलवा दिया गया था। उस क्रूस के पास भी निराशा थी, वो क्रूस बड़ी आज हम उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज हम उसे गुड फ्राइडे कह रहे हैं ना। वो दिन सोचिए और वो लोग सोचिए जो मैंने भी आपको पढ़ के दिए, पांच लोग निराशा पीड़ा दुख दर्द। क्या अच्छा था वहां पे, ये तो अच्छा बाद में हुआ ना, वहां कुछ भी तो अच्छा नहीं था। आशा तो बाद में आई जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पे चढ़ गया और खुदा के दाहिने हाथ इंसाफ करने को आएगा। वो दो दिन की पीड़ा और निराशा तो समझे हम भाई बहन लोग, और जब जब हम कह रहे हैं निर्बल हो, तो मेरे अजीजों, हर वो व्यक्ति, हर वो लेडी, हर वो बच्चा जो अपने परिवार को बचाना चाहता है, यशाया 11:2 की आत्मा अपने जीवनों में क्लेम कर ले, जो कहती है यशाया 11:2, अगर आप निकाल के पढ़ लेंगे मेरे साथ तो इससे, और इसको अपने जीवन में क्लेम करते रहिए। जब जब पारिवारिक पीड़ाएं असहाय हो जाती है, जिनके बारे में हम बात नहीं करते, करना नहीं चाहते, शायद पारिवारिक पीड़ाओं से बड़ी शर्म हमारे लिए कोई होती नहीं, किससे कहने जाए, तो चुपचाप अपनी बाइबल खोलें और यशाया 11:2 की ये आए, आइए हम सब साथ मिलकर बोले जिनके पास ये बाइबल है, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा मुझ पर ठहरा रहे। मेरे अजीजों, हमें किसी से कहने नहीं जाना, हमें किसी आंटी की, हमें किसी अंकल की, हमें किसी पड़ोसी की, हमें किसी रिश्तेदार से अपने घर की बातें नहीं कहना है, हमें केवल इस वचन को पढ़ के इसे क्लेम कर देना है। हर वो निडर में पराक्रम की आत्मा होगी, हर वो निर्बुद्धि में बुद्धि की आत्मा होगी, हर वो बेसमझ में परमेश्वर का भय बढ़ेगा, और वो जो चार कमरे का घर है, हम महास्वर्ग का राज्य पालेंगे। पांचवा पॉइंट है, सदा भलाई में तत्पर रहो। अक्सर हम भलाई में तत्पर हो जाते हैं, गरीबों को बहुत सा दान देके, किसी को खाना खिला के, किसी के रात में या बीमारी है दौड़ के मदद करके, ये तो भलाई है ही, इसको तो हम नकार नहीं सकते, ये भी हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। एक पत्रस 3:9 कहता है, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, क्योंकि जो जो अभी हमने पहले बताया, हम दौड़ के अस्पताल हो जाते हैं, हम रात में खड़े हैं, हमने खाना खिला दिया, हमने पानी खिला दिया, सब कर रहे हैं, हमें इससे थोड़ा सा अलग करना है, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हम वारिस हैं, हम क्यों नहीं पा पा रहे, हम बेदखल कब करते हैं अपने वारिस को, जब वो हम जैसी चाल नहीं चलता, जब हम उससे उभार जाते हैं, जब वो ओबीडियंट नहीं है। मेरे बच्चों, आज एक बड़ी सुंदर बात बताती हूँ, 4 दिन पहले पता चलिए, ओबीडियंस इज सेकेंड नेम टू ह्यूमिलिटी। जिस नम्रता की बात हम और आप कर रहे हैं, वो नम्रता आज्ञाकारिता से आती है। ये केवल बच्चों के लिए नहीं है, मैं उन बड़ों से भी बातें कर रही हूँ जहां हमें आज्ञाकारिता
कार्यता होना बहुत मुश्किल है, और आज्ञा कार्यता सबसे मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं महाकलेश मेघारोहण के जो 7 साल के बाद है, उसके बाद भी प्रभु मौके देंगे और हर धर्मता नहीं जाएगी, इंसान आज्ञाकारी नहीं होगा, यहाँ तक कि एलिया और मूसा आ जाएंगे, 3.5 साल मंदिर खड़ा हो जाएगा, आदमी नहीं फिरेगा। कोरोना के दादाजी भी जब आएंगे तो बहुत से पश्चाताप नहीं करेंगे, ये बाइबल बताती है, पर हमें अपने काम को करते रहना है, हमें फिर जाना है अपने उन कामों से पश्चाताप और उद्धार के बाद पवित्रता और शुद्धता में। हम में से बहुतेरे इनफैक्ट और वो सभी बैठे हैं जिन्होंने उद्धार पा लिया, उद्धार पाए वाले लोग बैठे हैं जो जान रहे हैं कि प्रभु मेरे खातिर हुआ, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। कहता है सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद करो। नौकरी जाने पर भी, बीमारी में भी, कमती में भी, घटती में भी, सताव में भी, हानि में भी और लाभ में भी, लाभ में मुश्किल हो जाता, हानि में तो आजकल हो रहा है, लाभ में बड़ा मुश्किल होता है, फला जगह जाना है, फला आंटी से मिलने जाना है, वो उधर फ्रेंड्स ने बुला रखा है, आजकल लाभ में मुश्किल हो रहा, हानि में आसान हो रहा, क्योंकि जब पैसे नहीं होते तो पेट्रोल नहीं होता, पेट्रोल नहीं होता तो कोई आना जाना नहीं होता, घर में बैठे भाई भी पढ़ सकते हैं, लाभ में मुश्किल हो रहा। हमारा आनंद प्रार्थना और धन्यवादित होना हमारे हालातों पर निर्भर कर नहीं होना चाहिए। ये तीनों इंस्ट्रक्शंस को निभाना अक्सर मुश्किल हो जाता है मेरे ऐसे। अगर हम आत्मिक दशा में नहीं जिएंगे तो हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे। और आखिरी बता के खत्म करना चाहूंगी, आत्मा को ना बुझाओ, ये पवित्र आत्मा की बातें हो रही है। पौलुस रसूल कहते हैं हम पवित्र आत्मा के दिए हुए वरदानों को इग्नोर नहीं कर सकते, हमारा हर वो काम, ये कलीसिया तक आ गए, हमारा परिवार, हमारा गाना, हमारा बाजा बजाना, हमारी भविष्यवाणी, हमारी हमारा अन्य भाषा बोलना कलीसिया के उत्थान के लिए होना है। जिस दिन हमारा टैलेंट कलीसिया के विभाजन के लिए यूज हो गया, उस दिन वो टैलेंट नहीं है, वो पवित्र आत्मा को बुझा देता है। इसलिए हमें जो भी टैलेंट्स हमारे परिवारों में पाए जाते हैं वो मेल और एकता के लिए यूज होना है। और जब हम ये कर लेंगे मेरे अजीजों, तो लास्ट का 23 जो आशीष वचन है, अगर हम पवित्रता और शुद्धता में अपने परिवारों को 2 कमरे, 3 कमरे और 5 कमरे के मकानों में अगर हमने अपने विश्वासी जीवन को जी लिया जब हमें कोई नहीं देख रहा, तो ये लिखी वो आशीष, शांति का परमेश्वर आपकी तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु के आने तक पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहेंगे, अदरवाइज शायद ऐसा ना हो पाए। और मेरे अजीजों, क्राइस्ट मस्ट बी इन कंट्रोल इन ऑल द टाइम एंड एवरी टाइम, हम वीकली नहीं हो, इसलिए हम इस बलिदान को सक्सेसफुल तभी बना सकते हैं जब हम पिता परमेश्वर से कह सकें, ऐ पिता परमेश्वर ये मेरे बच्चे, और ऐ परमेश्वर, ऐ बच्चों ये मेरा पिता परमेश्वर। क्राइस्ट हमारे परिवारों में आ जाए, आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद। अभी तक हमें 3 कलश में यहाँ पर यीशु मसीह ने माफी दी, यीशु मसीह ने उद्धार दिया, और यीशु मसीह ने अपने माता के लिए इंतजाम किया कि वो यीशु मसीह के जाने के बाद अकेली ना रहे। अभी तक यीशु मसीह ने कहीं पर भी अपनी पीड़ा का जिक्र नहीं किया, लेकिन जबकि हम इस कलमे पर गौर करते हैं तो
पाते हैं कि इस कलमे में यीशु मसीह को कुछ पीड़ा है। यहाँ पे वो एक दर्द को बयान कर रहे हैं जो कि एक अलगाव पर दर्द है। यहाँ पे यीशु मसीह इस चीज को बयान कर रहे हैं कि वो व्याकुल है अपने पिता से अलग होने की वजह से। पिछले 6 घंटे से यीशु मसीह सलीब पर है। तमाम पीड़ा बेइज्जती उन्होंने सही ना सिर्फ इन 6 घंटों में बल्कि बीती रात से जब से यीशु मसीह पकड़वाए गए उसके बाद महायाजकों के पास ले गए, महायाजकों ने तमाम तरह के उनके दोषारोपण किए, मारा, पीटा, थूका, मजाक उड़ाया, आंखों को बंद करके उनको मारा और कहा कि पता भविष्यवाणी कर और पता कि किसने तुझको मारा है। उसके बाद पिलातुस के पास गए, पिलातुस ने हेरोदेस के पास भेज दिया, हेरोदेस ने वहां पर मजाक उड़ाया, हेरोदेस ने फिर पिलातुस के पास भेज दिया। पिलातुस ने चाहा कि यीशु मसीह को सजा ना हो, क्रूस की मौत ना हो, तो पिलातुस ने उनको 39 कोड़े लगवाए और चाहा कि छोड़ दे, लेकिन फिर भी लोग लगे रहे कि नहीं, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, इसको क्रूस पर चढ़ाओ। और आखिर में पिलातुस ने उनको सौंप दिया और वहां से लेके बीती रात से लेके अब तक वो पीड़ा में सह रहे थे, लेकिन एक बार भी उन्होंने अपनी पीड़ा के विषय में कुछ नहीं कहा। लेकिन इस कलमे में वो अपनी पीड़ा को बता रहे हैं जो कि वो अलगाव महसूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसी समय उनको अलगाव महसूस हुआ, जब से वो इस दुनिया में आए थे 3 तरीके के उन्होंने अलगाव का सामना किया। पहला वो जिनके विषय में यूहन्ना 1:11 बताता है कि वो अपने घर में आया और अब उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया, कि वो लोग थे जिन्होंने हमेशा यीशु मसीह का बहिष्कार किया, हमेशा इस ताक में लगे रहते थे कि किस तरीके से उसमें दोष ढूंढे, उसमें दोष को पाए, उसको पकड़वा दे, और वो हमेशा यीशु मसीह से अलग रहा करते थे। दूसरा वो जो उनके साथ रहते थे, उनके चेले हमेशा जहां कहीं वो प्रचार करने जाया करते थे उनके चेले हमेशा उनके साथ रहते थे। लोगों से तो वो दृष्टांत के जरिए बात करता था लेकिन चेलों को सब चीजें खोल खोल कर बताया करता था। साथ रहते थे, प्रार्थना करने जाते थे तो साथ जाते थे। लेकिन लिखा हुआ है, अगर देखें यूहन्ना रचित समाचार उसका 16वां बाब उसके 32वें पद में, देखो वो घड़ी आती है वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। ये जब यीशु मसीह अपने चेलों से जिक्र कर रहा था, बात कर रहा था, तो उसने चेलों पर इस बात को जाहिर कर दिया था कि मैं जानता हूं तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो, हमेशा मेरे कार्यों में सहभागी रहते हो, लेकिन मैं इस बात को भी जानता हूं कि वो घड़ी आ रही है कि तुम सब तितर बितर हो जाओगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, मेरा साथ छोड़ दोगे। और गतसमनी के बाद में यही हुआ, लिखा हुआ है कि चेले उसे छोड़कर भाग गए। मरकुस 14:50 में हम इस बात को पाते हैं, इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए और वहां से यीशु मसीह अपने चेलों से अलग हो गया था। पतरस था साथ में कुछ देर के लिए, लेकिन उसने भी 3 बार इनकार किया और वो भी अलग हो गया। यीशु मसीह अकेले थे लेकिन अभी तक उन्होंने शिकायत नहीं की। लेकिन अब जबकि ये तीसरा पहर था और यीशु मसीह क्रूस पर थे, तब उन्होंने इस बात को कहा कि तूने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया अपने पिता से। क्या कारण था कि पिता ने यीशु मसीह को अकेला छोड़ दिया? इसके लिए हम देखेंगे यशाया 6:5 उसकी 3री आयत, जहां पर हमें परमेश्वर पिता के किरदार के बारे में कुछ चीजें बताई गई हैं कि सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। भजन संहिता 22 हमें बताता है, यहोवा उनसे जो उपद्रव से प्रीति रखते हैं उनसे वो घृणा करता है। हब्बू 1:13 बताता है कि तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है, भविष्य के लिए बात कही जा रही है कि तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देख कर चुप नहीं रह सकता। अगर हम व्यवस्था विवरण 13:14 देखें तो वहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं से तुझको हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। होशे 9:15 बताता है, उनके बुरे कामों के कारण मैं उनको अपने घर से निकाल दूंगा और उनसे फिर प्रीति ना रखूंगा।
और यशाया 59 को जो हम सब जानते हैं, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया है कि वो नहीं सुनता। ये वो कारण थे जिसकी वजह से परमेश्वर पिता और यीशु मसीह का वो अलगाव हुआ जो कि यीशु मसीह को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि जबकि वो संसार में आए हैं तो संसार के लोग उनसे बैर रखते हैं। यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि जिन चेलों के साथ वो हैं वो चेले भी उनको छोड़कर भाग जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे और उनको अकेला छोड़ देंगे। लेकिन यदि यूहन्ना 16:32 में जहां पर उन्होंने अपने चेलों से इस बात को कहा कि मैं जानता हूं कि तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे और भाग जाओगे, उसी के आगे यीशु मसीह ने एक बात और कही, फिर भी मैं अकेला नहीं, तुम लोग छोड़ के मुझे चले जाओगे, फिर भी मैं अकेला नहीं क्योंकि पिता मेरे साथ है। आज उसी पिता की मौजूदगी को यीशु मसीह अपने साथ महसूस नहीं कर रहा, और ऐसा हुआ इस वजह से जो कि मैंने बताया कि परमेश्वर पवित्र है और वो अंधेरे के काम या अधर्म के काम के कारण फिर जाया करता है। तो ऐसे क्या अधर्म के काम, ऐसे क्या काम यीशु मसीह ने कर दिए थे जो कि पिता फिर गया था? वचन इस बात को बताता है कि यीशु मसीह ने पाप नहीं किया, यीशु मसीह पापी नहीं था, यीशु मसीह ने अधर्म के काम नहीं किए, तो फिर क्या वजह है? वजह मैंने आपको बता दी किस वजह से पिता पिटता है, किस वजह से परमेश्वर पिटता है, लेकिन यीशु मसीह ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। व्यवस्था में अगर हम व्यवस्था को देखें, जबकि परमेश्वर के द्वारा से मूसा को शरीयत सौंपी गई थी, व्यवस्था सौंपी गई थी, तो उसमें एक पाप बलि का जिक्र आता है कि यदि कोई व्यक्ति पाप करता था तो उसके लिए था कर दिया गया था कि वो एक मेमना ले और उसको याचक के सामने ले जाए और जो प्रधान लोग हैं वो उस मेमने के सर पे हाथ रखे और ऐसा करने से जो पाप है वो उस मेमने के सर पे हो जाएंगे और उसके बाद उसका बलिदान कर दिया जाए। ऐसा करने से जिस व्यक्ति ने पाप किया है वो उससे शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और कुछ ऐसा ही यहां पर भी हुआ था। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, इस जगत में आया, तो वो एक बलिदान बन गया है, क्योंकि वचन इस बात को बताता है इब्रानियों 10:4 में, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पाप को दूर करे। इसलिए यीशु मसीह खुद बलिदान बन के मेमना, बलिदान का मेमना बन के जमीन पर आ गया, क्योंकि इसी के 5वें पद में लिखा है, इसी कारण मसीह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने नहीं चाही पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। 7वें पद में लिखा है, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करो। यीशु मसीह को मेमना, वो निर्दोष मेमना, वो बलिदान बनकर आ गया था, और ये वो समय था जबकि उस निर्दोष मेमने पर हम सब के, इस सारे जगत के गुनाह पूरी तरीके से लाद दिए गए थे। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 उसकी 21वीं आयत बताती है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता हो जाए। पहला पत्रस 2:2 उसकी 22 और 24वीं आयत बताती है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन मिला। इसी तरीके से एक सभा चल रही थी और उस सभा में एक व्यक्ति आया, क्योंकि गुड फ्राइडे पे चर्चेस काफी भर जाया करते हैं, तो वो थोड़ा से जल्दी आया और उसने देखा फिर भी लाइन काफी भर गई थी पार्किंग की। उसने फटाफट एक खाली जगह पर देख के अपनी गाड़ी को उस पार्किंग में लगाया, तभी पीछे से बड़ी तेज हॉर्न की आवाज आई और एक बुजुर्ग व्यक्ति गाड़ी में से अपने चिल्लाते
क्या तुम क्या यहाँ पर नए इंसान हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम ये मेरी जगह है? हटाओ यहाँ से अपनी गाड़ी को। उस व्यक्ति ने माफी मांगते हुए गाड़ी को वहां से हटा दिया और जो शख्स थे उन्होंने अपनी गाड़ी को वहां पर पार्क किया। उस व्यक्ति ने दूसरी जगह ढूंढी, गाड़ी को पार्क करके चर्च में आके बैठ गया। सीट उसको खाली नहीं दी, भरे हुए चर्च में दी। उसको बड़ी खुशी हुई। वो जब उस जगह पर बैठ गया तभी वही व्यक्ति जो उसको पार्किंग में मिला था अंदर आया और फिर उसके पास आकर कहने लगा, लगता है तुम यहाँ पर नए हो, तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ नहीं मालूम है, ये मेरी जगह है जहाँ पर तुम बैठो, हटो यहाँ से। इत्तेफाकन बगल में सीट खाली थी, वो सीट को छोड़कर दूसरी सीट पर बैठ गया और व्यक्ति बड़बड़ाता हुआ गुस्से में उसको देखता हुआ अपनी जगह पर बैठ गया। चर्च सर्विस चल रही थी और अचानक से जो नया व्यक्ति वहां पर आया था वो कांपने लगा, जोर जोर से कांप रहा था और ये जो पुराना व्यक्ति था ये उसको देखने लगा, उसने कहा तुम्हें क्या हो रहा है? वो बहुत जोर से कांपने लगा, एकदम से व्याकुल होने लगा, सर को झुका लिया। जब उसने सर को उठाया तो देखा उसने सर से खून बह रहा था, मुंह से खून बह रहा था, हाथों से खून बह रहा था। पुराना व्यक्ति घबरा गया, उसने कहा तुम्हें क्या हो रहा है, मुझे बताओ क्या किस तकलीफ में हो तुम? उस नए व्यक्ति ने कहा मैंने तुम्हारी जगह ली। अजीजों, यीशु मसीह को उस जुर्म की सजा मिल रही थी जो उसने किया ही नहीं था, लेकिन चूंकि उसने हमारी जगह ले ली थी, हमारे अधर्म के कामों को अपने सर पर उठा लिया था, इसलिए वो पाप कर गया था। और यही वजह थी कि उसके ऊपर इतने ज्यादा पाप लग हुए थे कि परमेश्वर ने अपना मुख उससे मोड़ लिया था। और यही बात यीशु मसीह से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, यीशु मसीह ने इस शब्दों के जरिए से वहां के लोगों को भी इस बात को बताना चाहा कि जिस मसीह का इंतजार तुम कर रहे हो, जो शख्स इस समय क्रूस पर है, वो वही है। क्योंकि जिस बात को यीशु मसीह बोल रहे थे और जो दर्द क्रूस पर वो सह रहे थे, उसका बयान उस वक्त से 950 साल पहले दाऊद के जरिए से भजन संहिता 22 में कर दिया गया है। मेरे साथ देखिए भजन संहिता 22, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहां है? सातवें पद में, वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्टा करते हैं और ओट पिचकाते हुए ये कहते हुए सर हिलाते हैं, अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए, वो उसको पाए जो कि वो उससे प्रसन्न है। परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूध पीता बच्चा था तब ही से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ ही से तू मेरा ईश्वर है। मुझसे दूर ना हो क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बाशान के बलवन सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं, वे फाड़ने और गरजने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं, मैं जल के समान बह गया। यीशु मसीह की वो तकलीफ बताई गई है जो इस समय वो क्रूस पर महसूस कर रहे थे, मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए, मेरा हृदय मौन हो गया, वो मेरे देह के भीतर बिखर गया, मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई, और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वे मुझे देखते और निहारते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। परंतु यहोवा तू दूर ना रहे, हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। अजीजों, हम सब इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह ने जिस कुर्बानी को सहा, जो इस दर्द को सहा, जो इस तकलीफ को सहा, वो इसलिए कि हम बचाए जा सके। यूहन्ना ने जिस समाचार उसका 3 बार उसकी सोच भी आया इस बात को बता दी है, बल्कि 17 भी आया कि यीशु मसीह जगत में इसलिए नहीं आया कि वो दंड की आज्ञा दे, बल्कि इसलिए आया कि हम सब बचाए जा सके। अगर हम सब
इन बातों को आज सुनकर भूल जाने वाले हो जाते हैं और उसी तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारते रहते हैं जिस तरीके से अब तक गुजार रहे थे, तो यकीन जानिए हम अपने लिए उस जगह को त्याग कर रहे हैं जहाँ हमारा परमेश्वर पिता कभी नहीं चाहता कि हम वहाँ पर जाएं। अगर वो ऐसा चाहता तो यीशु मसीह को इस कुर्बानी के लिए नहीं भेजता या यीशु मसीह इस दर्द को इस तकलीफ को नहीं सहता। वो इसलिए आएगा कि हम सब बचाए जा सके। हमें देखना है कि हम किन कामों में चल रहे हैं। लिखा हुआ है कि दो पहर से लेकर तीसरे पहर तक वहां पर अंधकार छाया रहा, यानी अंधकार का साम्राज्य हो गया था और उस अंधकार के साम्राज्य में वो ज्योति थी। कुछ देर के लिए अंधकार हो गई थी कि परमेश्वर पिता ने अपना मुंह फेर लिया था। जब परमेश्वर पिता अपने इकलौते बेटे को जिसको उसने कुर्बानी के लिए रखा था उससे मुंह फेर सकता है, तो हम जो गुनाह अधूरा जिसमें लिए घूमते रहते हैं हमसे परमेश्वर पिता वो गुनाह फेर लेगा। अजीजों, हम सबको इस बात से सोचने की जरूरत है कि हमारे काम ऐसे होने चाहिए जैसा कि यशायाह में लिखा है ना कि तुम्हारे गुनाह की वजह से परमेश्वर का मुंह तुमसे फिरा रहता है और वो तुम्हारी आवाज नहीं सुनता। हमारे काम ऐसे होने चाहिए कि परमेश्वर पिता हमारी सुने, हम गर्व से कह सके कि हे परमेश्वर पिता, हम तेरी संतान है। आखिर एक आयत के साथ मैं इस बात को खत्म करूंगा। अगर हम इस बात को सुनकर भूल जाते हैं, इब्रानियों 10:26 हमें बताता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं रह गया। हाँ, दंड की एक भयानक उम्मीद और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म करने का प्रार्थना करें। मेरे प्यास बुझाने के लिए मुझे
सिरका पिलाया। ये वो सिरका पिलाया जो सिरका शायद हम और आप नहीं पी सकते। ये बहुत कड़वा था, ये पित्त मिला हुआ था, इसमें जहर टाइप थोड़ा सा। लेकिन पहले ऐसा था दस्तूर कि जब कोई मृत्यु इस तरह की होती थी तो औरतें जो थी वो दाग रस का कुछ मधु, ऐसा नशीला मधु बनाया करती थी जो उनके दर्दों को कम कर। लेकिन यहाँ परमेश्वर अपने दर्द को कम नहीं करना चाहता, वो ये सहना चाहता है क्योंकि वो परमेश्वर की योजना को पूरी करना चाहता। वो यही था कि मैं प्यासा हूँ कहने का, और उसके लिए वहां के लोग जो थे जो बुद्धिहीन हम कह सकते हैं, अपन होते हुए भी वो परमेश्वर को जानना नहीं चाहते थे और ना ही वो उन्होंने कभी उसको पहचाना था। वो उसके बीच में था। आज हो सकता है कि हमारे बीच में भी होता तो शायद हम भी ऐसे करते, जैसा कि आज तक हम लोग करते चले आए, अकेले मन अकेले बातें सारी बातें। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वचन के साथ वो हमें कुछ सिखाना चाहता है, और हर साल ये वाणियां हमारे बीच में आती है, हर साल किसी न किसी का दिल बदलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं बदलता, बदलता है, लेकिन वो लगभग हो सकती है कि कम, लेकिन धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि प्रत्येक मुद्दा प्रत्येक जीव अंगीकार करे तब मेरा आना होगा। तो इसका मतलब है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो स्लो जरूर हो गया है, उसका आना थोड़ा सा रुकावट हो गया है। अभी जैसे कि बहन भी बता रही थी कि कोरोना आ रहा है, परेशानियां आ रही है, बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन वो आ क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर कहता है जब फिरौन का मन कठोर हो गया था तब भी ये सारी बातें थी। मूसा से कहा था कि जाके ये कर, तू ये मुट्ठी भर आग फेंक दे, फलाना कर, ऐसा कर, मैं विपत्ति और परेशानी पर डालूंगा और मैं उनके साथ ऐसा ऐसा करूंगा। तो विपत्ति आज भी पड़ रही क्योंकि हम उसकी ओर झुक नहीं रहे, हम उसकी ओर झांक नहीं रहे, तो इसलिए विपत्ति और परेशानियां तो हम पर आएंगी। उसने साफ साफ कहा कि विपत्ति और कल्याण दोनों मैं देता हूं। जब वही देने वाला है तो वो हमें सचेत कर रहा है, सावधान कर रहा है, दृष्टांतों से बता रहा। भी हमने 40 दिनों में बहुत सारे दृष्टांतों के द्वारा हमने बातें सुनी। कह कबीर कैसे नहीं देखे रे मेरे पोषण बोडोलकर साहब ने और उनके पाटक क्यों ही सब है, अपनी मर्जी में सब है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पत्ती को छाया नहीं फंसा गया थी। बता तो रहे हैं सारी बातें, लेकिन सारी बातों में उनके अंदर कोई सच्चाई नहीं, उनके अंदर कोई फल नहीं। तो बहुत सारे दृष्टांतों में हमने बातें तो सुनी, अगर परमेश्वर अपने वचन को यहाँ पर हमारे सामने और आपके साथ बीच में ला कर कहता है कि मैं प्यासा हूं। हमने पुराने नियम से देखा, नए नियम से देखते हैं, मती सुषमाचार और उसकी 27 अध्याय की 34 में देखते हैं कि उन्होंने पित्त मिला हुआ दाग रस उसे पीने को दिया, पर उसने चख कर पीना ना चाहा। निश्चित तौर पे हम और आपको भी अगर दिया जाए तो हमें भी लगता है अरे हमें सब अच्छी अच्छी बात, लेकिन अच्छी बातें हमें कब मिलेंगी। यहाँ पर विश्वास की बात थी कि उसने पीना नहीं चाहा, लेकिन वो पिएगा और पीता भी है। क्यों? क्योंकि जैसे अभी हमें विशाल बता रहे थे कि वो उसको ये प्रक्रिया पूरी करनी है, क्योंकि उसने हमारे दुखों को क्या किया है, अपने ऊपर ले लिया है, और हमारे लिए उसने वो कांटों का ताज, वो कीले, वो लहू, ताकि हम उससे शुद्ध हों, साफ हों। वो प्यासा है, और प्यासा होकर उसने क्या क्या किया हम देखते हैं। हम जब भी कभी पढ़ते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम उसकी बातों को नहीं जानते। मैं इसको पढ़ रहा था, बहुत अध्ययन कर रहा था, और कई सवाल मेरे मन में भी थे। हम और आप पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि यीशु मानव बनकर मानव जाति के लिए कई आवश्यकताओं को पूरा करता है। कैसे? बार बार उसे देते हुए देखते हैं, उसे बार बार देते हुए देखते हैं, भूखों को खाना देते हुए, प्यासों को पानी देते हुए, रोगियों को चंगाई देते हुए, मृतकों को जीवन देते हुए, अपुरुष पर अपराधियों को क्षमा देते हुए, चाकू को स्वर्ग की नई जगह देते हुए, और मां को बेटे देते हुए देखते हैं। फिर ऐसी क्या स्थिति
सिस्टर यीशु को अपनी मां मनवाने के लिए उसके सामने कहना पड़ा कि मैं प्यासा। जब उसने ये मांग उन सिपाहियों के सामने रखा तो सिपाहियों ने उसे क्या दिया? एक मिला हुआ सिरका। जो हमारे लिए भलाई कर रहा था, जो हमारे पापों को अपने ऊपर ले रहा था, क्योंकि ऐसा ही था कि जब मेमने के ऊपर हाथ रखकर उसका पाप उसमें ट्रांसफर किया जाता था, तो इसलिए उसने भी हमारे पापों को अपने ऊपर ट्रांसफर कर दिया। तो सारा दुख उसने सहा, तो इस तरह से। लेकिन हम एक जगह और देखते हैं कि वो प्यासा था। प्यासा था इस बात का प्यासा, सामने स्त्री के पास जाता और उससे कहता कि हे दारी, मुझे पीने के लिए जल। तो वो उसको कैसे कहते हैं कि तू तो यहूदी है, तो मुझसे क्यों मांगता है? तो वो ये कहता है कि तू अगर मुझसे ये जानती कि जो तुझसे मांग रहा है वो कौन है, तू जानती तो मुझसे वो जल मांगती जो जिसे पीकर तू कभी प्यासी नहीं रहती। तो पिता को प्यास तो नहीं थी, लेकिन वो प्यास हमारे जीवन में जो थी उसे पूरा करने के लिए हुआ है। उस स्त्री के अंदर क्या कमी थी? बहुत सारी बातों की कमी। कई पतियों की पति थी, पत्नी थी, और कई ऐसी बातें थी जिसे परमेश्वर से थो। उसने क्या किया? दृष्टांतों में उस औरत से कहा कि इसको वो पहला पत्थर मारे जिसने पाप ना किया। उसने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में हो। बहुत सारी दृष्टांतों में उसने कहा। आज ये उपदेश का समय नहीं है, आज उसके दृष्टांतों को समझने का समय है कि उसने उस क्रूस पर उस दुख भरे में, अगर मान लीजिए कि उस जगह पर हम और आप होते और ऐसा कुछ होता, लेकिन हमारे साथ तो होता क्या है कि हमारे साथ जब आदमी खत्म हो जाता है तब हम उसको लेके चलते हैं और रिव्यार कर लेके जाके छोड़ के चले आते हैं, लेकिन वो तो जिंदा है और उसे मारा जा रहा, कूटा जा रहा, खाया जा रहा, और फिर भी वो हमें सब सब कुछ बताता भी जा रहा है। हे नारी, ये तेरा पुत्र है। उस पुत्र को कहता रहा कि ये तेरी माता है, लेकिन आज हमें कुछ नहीं आता है। क्या बात, हम बहुत पीछे हैं, हम परमेश्वर की बातों को सुन के अनसुनी करते चले जाते हैं। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर उस स्त्री से कह रहा था, इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि जब तू अगर जानती तो मुझसे वो जल पाती, फिर तू कभी प्यासी नहीं होती। लेकिन वो प्यासा नहीं था, वो प्यासा था किस चीज का, ये जानना बहुत जरूरी। शास्त्र को पूरा किया कह के कि मैं प्यासा हूं, लेकिन वो प्यासा नहीं था, क्योंकि स्रोत तो उसमें से ही बहते थे। वो तो स्वयं मानव होते हुए भी परमेश्वर का रूप था, है? वो मानव होकर हमारे जीवन में आया जरूर, लेकिन वो पूर्ण रूप से मानव भी था और पूर्ण रूप से ईश्वर भी, परमेश्वर भी था, क्योंकि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था। तो निश्चित तौर से आज ये जो बात हम समझना चाहें कि वो किस बात का क्या, आज एक संयोग है, आज भी एक संयोग है जब हम आए यहाँ पर आज के दिन गुड फ्राइडे के दिन सफेद सफेद वस्त्रों में। पीछे एक संयोग था, क्या था संयोग? आज क्या है? आज दो त्योहार एक साथ मिला दिए गए, है एक सफेद और एक कीचड़ भरा, और सबके सब से आप सबके सब किसी पर भी कोई डाल नहीं है ना। ये बड़ी बड़ी बात है, क्योंकि आपको प्यास थी किस बात की कि हमको अपने जगह पहुंचना है, टाइम से पहुंचना है, सही सलामत पहुंचना है। आप जिस धुन में थे उस धुन में आप यहाँ तक आ गए और आपको किसी बात की कोई परवाह नहीं थी। तो ये संयोग जो था वो क्या था कि वो पीछे कीचड़ डाल देंगे, शायद हमारे कपड़े खराब हो जाए, आने में कुछ दिक्कत होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हमारे आपके बीच। तो हमें देखते हैं कि उसको भी प्यासा नहीं था, लेकिन फिर भी उसको प्यास थी। किस बात की थी? कि गमों के आंसुओं को उबाल कर देखो, गमों के आंसुओं को उबाल कर देखो, बने का रंग किसी पर डाल कर देखो। यूं ही प्रभु की प्यास नहीं बुझेगी, किसी के पांव का कांटा निकाल के देखो। आज जरूरत है वो जिस बात का वो प्यासा है, वो कांटा हमारे अंदर ही है। वो कांटा क्या है? कि किसी के पांव का कांटा निकाल के देखो, किसी को अपने गले लगा के देखो,
किसी को क्षमा करके तो देखो, किसी भूखों को रोटी खिला के तो देखो, किसी को क्षमा के साथ गले लगा के तो देखो। ये है, उसको इस बात की प्यास थी, लेकिन हम और आप उसकी प्यास को नहीं, हम ये सोचते हैं कि शास्त्र में लिखा है कि वो प्यासा है तो प्यासा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें उस प्यास को समझना है। आज जब मैं ये रंगों की बातें सोच रहा था, ये सारी बातें देख रहा था, फिर हमें भी लगा कि यार बात तो सच है, वहां जाने में दिक्कत तो होगी। फिर मेरे उधर बहुत सा भीड़ था, बहुत सा क्राउड था, लेकिन डरते डरते भी हम सही 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 कर रहे थे यहाँ, और परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए चप्पली हमेशा तैयार रहता है। वो कहता है कि जहाँ दो या तीन मेरे नाम से है वहां पर मैं हूँ, तो फिर किस बात का डर है? कहता तू बोल के मुझसे बाहर, मैं तुझे दूंगा पुकार, मैं कहूंगा कि मैं यहाँ हूँ। बहुत सारे वायदे किए, दृष्टांत बताए, सब कुछ बताया, लेकिन हमारे अंदर जो बात है वो क्या है कि हम उसकी बातों को संभाल नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते। आज जरूरत है परमेश्वर को, जिस बात का प्यासा है उस बात को समझने के लिए। बहुत छोटी सी शायद मैंने तैयार की थी और उसी पर मैं बातचीत करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर की बातें बहुत बड़ी है, उसे विस्तार में बता पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसे कम लफ्जों में बताकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। फिर से वही वाणी, वही शहर शायद आपके सामने रखूंगा शायरी, कि गमों के आंसुओं को फिर से आप उबाल कर दे, बनेगा रंग किसी पर डाल कर दे, प्रभु की प्यास यूं नहीं बुझेगी, किसी के पांव के कांटे को निकाल कर दे, किसी को गले लगा के देखो, किसी से मेल मिलाप करके तो देखो, किसी को भूखे को रोटी दे के तो देखो, किसी को सहायता करके तो देखो, किसी की झूठी गवाही से उसे बचा के तो देखो, विधवा अनाथों को संभाल के तो देखो। निश्चित तौर पर उसकी प्यास बुझेगी, और वही यही सब चीजें वो हमसे कहता है कि तुम मुझे मटकाना छोड़ दे, बुराई करना छोड़ दे, दोष लगाना छोड़ दे, तो मैं निश्चित तेरी बातों को सुनकर मैं कहूँगा, तू पुकारेगा मैं कहूँगा कि मैं यहाँ हूँ। आपके बीच में आई बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो।
So, ये जो एक हुकुम और एक जिम्मेदारी खुदा ने अपने कलीसिया को दी है, ये आज भी मजलिस शेख चकेरी और तमाम कलीसियाओं को जो कि यीशु के नाम में इकरार करती है, उन पर ये जिम्मेदारी आज भी उतनी ही आयद है जितनी 2000 साल पहले कलीसिया पर थी। तो इस सवाल के साथ या इस आयत के साथ एक सवाल जो हमारे जहन में उठता है वो ये है कि आखिरकार ये इंजील या खुशखबरी क्या है, क्योंकि खुशखबरी सुनाना तो एक बात है लेकिन खुशखबरी से पहले वाकिफ होना दूसरी बात है। अगर आप पौलुस प्रेरित से पूछें तो पहला कुरिन्थियों 15वें बाब की 3री आयत है, घर जाके पढ़िएगा, वहां पे वो कहता है कुरिन्थियों की कलीसिया से मुखातिब होकर कि मैंने तुमको वो बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंचाई गई थी कि यीशु मसीह पवित्र शास्त्र की गवाही के मुताबिक हमारे गुनाहों के वास्ते मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये है वो खुशखबरी, ये है वो सुसमाचार जो खुदा ने अपनी कलीसिया को सुनाने का हुक्म और जिम्मेदारी दी है। एक बहुत अच्छी बात पहले और दूसरे कलमे में हुई, निरुपा मैम ने और पूर्णिमा मैम ने इशारा कर ये बात की जो मैं अब करने वाला हूं, वो बात ये थी कि अजीजों आज से तकरीबन 2000 साल पहले हमारे खुदावन यीशु मसीह का मसलूब होना जो है रोमियों के हाथों, वो कोई इत्तफाकी वाकया नहीं था, वो कोई संजोग नहीं था। यीशु का मसलूब होना कोई रैंडम चांस इवेंट नहीं था। अगर आप पवित्र शास्त्र को देखें तो प्रेरितों के काम 2 बाब और उसकी 23री आयत में लिखा है कि यीशु का मसलूब होना और रोमियों के हाथों सलीब पर चढ़ जाना परमेश्वर पिता की योजना और उसके पूर्व ज्ञान के मुताबिक था। अगर आप यीशु मसीह की जुबानी सुनना चाहें ये प्लान को, तो यूहन्ना की इंजील 24वें बाब उसकी 7री आयत में लिखा हुआ यीशु मसीह ने कहा जरूर है कि इब्ने आदम यरूशलम को जाए और फकीर फरीसी उसे कत्ल करेंगे और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हमारा खुदावन यीशु मसीह कोई मजहबी और सियासी आदमी नहीं था जिसने अपने ख्यालों के लिए सलीब पर अपनी जान दी। हमारा खुदावन यीशु मसीह की जान बेशकीमत है क्योंकि वो गुनहगारों की कफारे के वास्ते। अगर आपने तारीख पढ़ी है तो तारीख में मशहूर नाम है, उसका नाम है सोक्रेट्स, और सोक्रेट्स के हक में लिखा है कि उसने अपनी अपने ख्यालों के लिए जहर का प्याला भी पी लिया। लेकिन हमारे खुदावन मसीह की मौत मुकर्रर इंतजाम और मुकर्रर योजना के मुताबिक था। ये बात है जो आज हमको और आपको सीखने की सख्त जरूरत है, और इसलिए वो कहता है कि पूरा हुआ, क्योंकि एक काम था जो उसके बाप की तरफ से उसके हवाले किया गया था। अगर आप पुराना ऐतनामा अगर आपने बगौर पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि जब खुदा ने इंसान को जमीन की मिट्टी से बनाया, उसकी जिंदगी में नथनों में जिंदगी का दम फूंक दिया, तो उसने अपनी इस सृष्टि को जो उसने बनाया एक बाग में रखा और उसे एक जिम्मेदारी दी कि तू इस बाग की बागवानी करना, और इसी के साथ साथ उसने एक हुक्म भी दिया जिसे हम और आप बखूबी तौर से वाकिफ है। लेकिन अफसोस की बात है कि जो जिम्मेदारी और हुक्म खुदा ने पहले आदम को दिया था वो करने में नाकाम रहा। थोड़ा और आगे बढ़िए, न्यायियों की किताब, एक शख्स को और आप जिक्र करेंगे जिसका नाम है सामसन। इंतहाई दर्जे की कुवत और ताकत खुदा ने उसको दी थी और एक जिम्मेदारी दी थी, फिलिस्तीनियों से उसके लोगों को तू रिहा कर दे उसके दुश्मनों से। लेकिन फिलिस्तीनियों से रिहाई करना तो बहुत दूर की बात है, वो एक फिलिस्तीनी औरत से ही दिल लगी कर बैठा, और जो कुवत उसे दी गई थी कुछ लम्हों के लिए उससे छीन ली गई। आगे और बढ़िए, पहला शामिल दूसरा शामिल, एक चरवाहे का जिक्र मिलेगा जिसके हाथ में लिखा है कि वो यहोवा के दिल के नजदीक था। खुदा ने बरकत दी कि वो उसके लोगों पर हुक्मरानी करे और 40 साल से भी ज्यादा उसने उसके लोगों पर हुक्मरानी करी। लेकिन अफसोस की बात एक बार फिर से है कि उसने वही काम किया जो खुदा की नजर में नफरत अंगेज। उसने ना सिर्फ एक पराई औरत के साथ सिना किया बल्कि उस औरत के आदमी को जो जिंदगी भर उसका वफादार खादिम था उसको भी उसने यूं ही कत्ल करा दिया। बनी इसराइल की तारीफ पर
तौर तरीके बारह दफा खुदा ने अपने नबियों को भेजा और कहा कि तुम अपनी शरारत से बाज आ जाओ, यहोवा से सारे दिल सारी जान सारी अकल से मोहब्बत रखो और अपने हमसाये से अपने माने मोहब्बत रखो। लेकिन मोहब्बत करना तो दूर की बात है, वो अपने से ही मोहब्बत कर बैठे और यहोवा को पूजना कोई अलग बात है, वो बाल की ही इबादत करने लगे। सो ये तो हुक्म है, परमेश्वर से प्यार और पड़ोसी से प्यार, ये आज भी आपके और मेरे आंखों के सामने है और हम भी अपने बाप दादाओं की तरह इन हुक्मों पे अमल करने से पूरी तरीके से कासिर हैं। लेकिन शुक्र करते हैं हम अपने खुदा और खुदा का। कलीसिया के खत चौथे बाब की चौथी आयत लिखा है कि जब वक्त पूरा हुआ तो खुदा ने दुनिया में अपने बेटे को भेजा, एक औरत के वसीले से उसने उसको भेजा, व्यवस्था के तहत भेजा, ताकि वो जो व्यवस्था के तहत है और व्यवस्था की लानत के बारे मरे पड़े हैं उनको वो छुड़ा सके और उन्हें ले बालक होने का ये अजीज क्या कह सकते हैं गिफ्ट मुहैया करे। इब्रानियों का खत दसवें बाब की चौदहवीं आयत में लिखा हुआ, लिखने वाला लिखता है, वो कहता है कि यीशु मसीह की कुर्बानी कामिल है, यीशु मसीह की कुर्बानी कामिल है और उन तमाम लोगों को पापों साफ करती है जो ईमान में उसके नजदीक आते हैं। आप में से कुछ लोगों को ये बात पता होगी, आपने अगर मेरे पहले समन सुने हैं, ज्यादा तो नहीं दो या तीन ही बोले हैं, लेकिन उनमें से एक में मैंने एक बात कह दी और वो बात ये थी कि अगर सबसे पहले सुसमाचार का प्रचार इस दुनिया और इस तारीख में किसी ने किया है मसीह यीशु और उसके शागिर्दों से पहले, तो वो बजाते खुद खुदा है। क्योंकि उत्पत्ति की किताब तीसरे बाब की 15वीं आयत में लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर शैतान से मुखातिब है और वो कहते हैं कि मैं तेरी और औरत के नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, आई विल पुट एनमिटी बिटवीन योर सीड एंड द सीड ऑफ द वुमन। तू यानी इब्लीस उसके पांव को डसेगा और वो यानी औरत की नस्ल तेरे सर को उचल देगा। सो हमारे जो नजात का इंतजाम है, जो हमारी नजात की मसला है, परमेश्वर पिता की योजना है हमारे इंतजाम से बदलने, वो आज कल परसों की नहीं है बल्कि इससे पहले कि खुदा ने कहा कि रोशनी हो, उसने अजल ही से फ्रॉम इटर्निटी पास्ट उसने हमारे नजात के काम को मुकर्रर कर दिया, उसने अपने बेटे को सेटअपार्ट कर दिया, सैंक्टिफाई कर दिया, ताकि एंड वक्त पे वो दुनिया में जाए और उसके लोगों के वास्ते अपनी जान बहसे पे नजराना गुजराना है। और इसलिए प्रकाशित वाक्य के 13वें बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है, देखो ये वो बनना है जो जगत की उत्पत्ति से पहले ज़बह हुआ। See the Lamb of God who was slain before the foundations of the world. हमारे खुदावंद यीशु मसीह की मौत सियासी मौत नहीं थी बल्कि एक मुकर्रर योजना के तहत। जिस यूनानी लफ्ज का तर्जुमा यहाँ पे तमाम हुआ और हिंदी में पूरा हुआ है वो है टेलसटाय, और टेलसटाय के जो मायने है वो है दाम चुकाने के। किसके दाम चुकाने के? पवित्र शास्त्र प्रेरितों के काम 20वें बाब की 28वीं आयत में कहता है कि खुदा ने अपने खून से अपनी कलीसिया को मोल लिया है। कलीसिया के खत तीसरे बाब की 13वीं आयत में वो कहता है कि यीशु मसीह ने अपने खून से हमें मोल ले लिया है और शरीयत की लानत से हमें आजाद कर दिया है। अजीजों हमारी हालत मिसल उस कर्जदार की मानन थी जिसने कई अरसों पहले अपने मालिक से कर्जा लिया था, लेकिन जब वक्त पूरा हुआ तो वो उस कर्जे को चुकाने में नाकाम रहा और उसका मालिक उसे अभी अदालत में ले जाने को था कि उस शख्स का एक दोस्त बीच में आ खड़ा हुआ, वो कहने लगा कि ऐ मालिक इसको तू सजा मत दे, इसने जो कर्जा लिया था वो मैं चुकाने तुझे। ये हमारे खुदावंद की मोहब्बत है, इसलिए वो कहता है इससे बढ़कर मोहब्बत और कुछ नहीं कि एक शख्स दोस्तों के वास्ते अपनी जान दे। जो मौत हमें मरनी थी वो मसीह हमारी जगह पे खड़े होकर मरा, जिन हुक्मों पे अमल हमें करना था वो
तो वो हमारी जगह पे खड़े होकर उसने अमल किया। यूं ही नहीं वो कहता कि पूरा हुआ, 35 साल जिंदगी खुदावंदों के खुदावंद और यहोवा के यहोवा ने इस जिल्लत भरी मौत को उसने मरा है वो, और इसलिए वो कहता है कि पूरा हुआ। बाइबल के पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले इस बात को कहते हैं कि 300 से भी ज्यादा भविष्यवाणियां हैं पुराने अहदनामे में जो यीशु मसीह की जिंदगी में हर्फ ब हर्फ और लफ्ज ब लफ्ज पूरी हुई है, और इसलिए वो कहता है कि पूरा हुआ। इंसान की नजात का इंतजाम जो जगत की उत्पत्ति से पहले यहोवा परमेश्वर खुदा बेटे और खुदा रूह ने किया था आज से 2000 साल पहले, वो पाए तकमील को पहुंच गया, इट इज फुलफिल्ड। क्योंकि वो जो गुनाह नहीं था खुदा ने उसे हमारे और आपके वास्ते गुनाह बना दिया था कि हम उसमें, किसी और में नहीं, उसमें परमेश्वर पिता की राष्ट्रवादी धार्मिकता बन जाए। याद रखिएगा गुड फ्राइडे इसलिए गुड है क्योंकि वो किसी के लिए बैड डे था, और वो हमारे खुदा परमेश्वर से, लेकिन वो इतना हलीम हो गया, इतना वो पस्त हो गया कि मौत बल्कि सलीबी मौत को भी उसने गवारा कर लिया। उस जमाने के बागियों और वो जो मुखालफत करते थे हुकूमत की उनको दी जाती थी ये मौत, लेकिन मसीह जो हर लिहाज से कामिल पाक बेहद और बेदाग है उसको ये मौत दी गई। ये जो नारा है कि पूरा हुआ, ये शिकस्त का नारा नहीं है बल्कि ये फतेह का नारा है। ये वही औरत की नस्ल है जिसने शैतान के सर को खोए कलवरी पर कुचल दिया, और जो बंदी गृह में थे, जो तारीख के बंधनों में थे, उनको उनके अनुसार कर दिया, और इसलिए वो कहता है कि पूरा खुदा को बरकत। ऊपर मंडरा रही थी, यानी जो आत्मा
आत्मा है, परमेश्वर की जो आत्मा है उसके अंदर वो ताकत है। परमेश्वर की आत्मा हमें जीवन देती है, परमेश्वर की आत्मा में सहमत है, हमें जीवन की रोशनी के बारे में बताती है। और सच्चाई है कि परमेश्वर आत्मा है और उसके मानने वाले आत्मा से अगर उसकी आराधना करते हैं उस सच्चाई को प्राप्त कर सकते हैं। उस सभी के ऊपर है। और ये परमेश्वर ने एक मिशन दिया था, उस पाप ने एक मिशन दिया था। और ये जो आवाज है ये विजय की आवाज है, क्योंकि जिस मिशन को परमेश्वर ने उस पिता ने जो दिया था प्रभु यीशु मसीह ने उसे पूरा किया, यानी विक्ट्री ओवर डेथ, विक्ट्री ओवर सिंह, विक्ट्री ओवर ओवर पावर ऑफ एनिमीज। और उस मिशन को प्रभु यीशु मसीह ने जब पूरा जब किया वो कहते हैं कि मैं अपनी आत्मा तेरे समक्ष में मैं सौंपता हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने बताया है, यह आश्वासन दिया है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। और शरीर के ऊपर कितना कभी मसीह को जो है कष्ट दिया गया, 3 घंटे के ऊपर शरीर करता है। और अगर आप आगे वचन में हम पढ़ते हैं तो ये सुविधा जो है ये सारी घटनाओं को देख करके कहने की सचमुच ये परमेश्वर की उन्होंने बढ़ाई की और कहा कि निश्चय या मनुष्य धर्मी था। जब देखते हैं सुविधा जहां की उन्हें ड्यूटी वहां लगाई गई थी, जहां की ये वहां वो उपस्थित थे और इस बात को देखते हैं कि सचमुच एक सुविधा की गवाही है कि सचमुच ये जो व्यक्ति है ये धर्मी व्यक्ति है। और यहां तक लोग जो है बहुत पछताते हैं इस दर्द को देख करके, रवि शिवजी की पीड़ा को देख कर, घटना को देख करके, जो भीड़ वहां इकट्ठी हुई थी घटना को देख करके छाती पीटती हुई और लौट जाती कितने दर्द में जो है। और भीड़ ने भी इस बात को समझा कि सचमुच ये व्यक्ति जो सलीब पर है ये धर्मी व्यक्ति है, ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है, ये महान व्यक्ति है, इसके अंदर सामर्थ्य है। और अगर आप आगे अपन जा सके और स्त्रियां उसके साथ जो आई थी दूर खड़ी होकर के वो देख रही है और वो रो रही है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यह सच्चाई है कि इस बाप ने उस मिशन को दिया था संसार के गुनाहों के खातिर उस शरीर को उसने चुना, योजना थी परमेश्वर की योजना थी, उसने योजना को पूरा किया, जिस बाप ने इस कार्य के लिए भेजा था वो पूरा करता है। और उसके बाद अपनी आत्मा उस पाप के अंदर समर्पित करता है और यही कहता है कि पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में उस पाप से, इस पाप ने जो कार्य सौंपा था,
जिस बाप ने जो मिशन उसे दिया था रवि यीशु मसीह उसे पूरा कर देंगे। काश होने देख हम दुनिया में जो हम चलते हैं और फिरते हैं, दुनिया में जो हम गुजरते हैं, हम ये सोचें और विचार करें कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको जो है क्या मिशन दिया है। दुनिया में हम चलते हैं और प्रभु यीशु मसीह ने क्या, प्रभु यीशु ने आपको जिंदगी दी है क्या, प्रभु यीशु मसीह का मिशन आपके लिए कुछ है क्या, प्रभु यीशु मसीह ने किस काम के लिए आपको बुलाया है, प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या चाहता है। वो चाहता है कि दुनिया से जाने से पहले जिस बाप ने जिस उद्देश्य के लिए संसार में भेजा है हम पूरा करने वाले हम बन सके। और परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने इस संसार में आकर के उद्धार के रास्ते को अपने खोल दिया, उद्धार के रास्ते को खोल दिया, उस रास्ते को दिखाया ताकि इंसान आनंद जीवन को प्राप्त कर सके और शांति प्राप्त कर सके और उद्धार प्राप्त कर सके। और परमेश्वर का धन्यवाद और वो भीड़ जो खड़ी थी वो भी इसके गवाह बनने की सचमुच ये व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है ये धर्मी व्यक्ति है। प्रिय होने दे हम अपनी जिंदगी में हम देखें कि जब तक प्रभु यीशु मसीह ने जो समय दिया है, जब तक प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो इस दुनिया में जब तक रखा है, हम प्रार्थना करें और हम विचार करें और हम सोचें इस पृथ्वी पर रहने का हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों जीना चाहते हैं। और जो हम जो प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य सौंपे हैं ईमानदारी के साथ और वफादारी के साथ हम करने वाले हम बन सके। प्रभु यीशु मसीह ने उस मिशन को पूरा किया, उद्धार के रास्ते को खोल दिया और शैतान की ताकत भरपाई हो गई। ये उसका प्रेम है, ये उसका अनुग्रह है। काश में देखें हम अपने जीवन में हम विचार करें और सोचें और हमारा हृदय हमेशा इंसान का अनुसार में जब तक हम जीते हमेशा खुला है कि उस मिशन के लिए, उस कार्य के लिए कि प्रभु आप हमारे जीवन से अब क्या चाहते हैं। और जो हम प्रार्थना करते हैं तो हमें अगुवाई मिलता है क्योंकि पवित्र आत्मा की जो सामर्थ्य है बहुत अटूट है और जिसके अंदर जीवन है, जिसके अंदर रोशनी है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सभी पर भी प्रभु यीशु मसीह ने इतने महान शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। ये सारे शब्द विजय के प्रतीक हैं, जिसके अंदर महानता है, जिसके अंदर दीनता है, जिसके अंदर नम्रता है, जिसके अंदर त्याग है। परमेश्वर आप सबको बहुत आगे आशीष दे ताकि हम लगातार अपने जिंदगी में आपके वचन में हमेशा पढ़ने वाले बन सके। परमेश्वर इस वचन पर आप सबको बहुत आगे आशीष दे। आमीन।